हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स वेंचर्स में। तो दोस्तों, फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए न्यू और अमेजिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की टॉपिक इसी टॉपिक पर बात होने वाली है कि आप किसी भी बड़े से बड़े लेवल की ID जो है आप वो बैन कर सकते हैं ओनली सिर्फ 4 रिपोर्ट में। तो मैं बताऊँगा आपको कौन सी वो 4 रिपोर्ट है जिससे आप किसी की भी ID जो है बैन कर सकते हैं। बस दोस्तों, आपसे उम्मीद ये है कि आप उसको इलीगल तरीके से यूज़ ना करें, उसको मतलब अपने जैसे जो आपको गाली चले आते हैं और आपको बहुत दिन से जो परेशान कर रहा हो आप उसी के लिए यूज़ करें, ठीक है। आप गलत इसका बिल्कुल मिसयूज़ नहीं करिएगा, यही आपसे उम्मीद है दोस्तों। तो जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाती है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। है जो पहला स्टेप है दोस्तों, आप रिपोर्ट का उस पर लेके चल देता हूँ मैं आपको। तो आपको चले जाना है जैसे किसी ब्रॉड पे चले जाना है। तो मान लीजिए मैं चले जाता हूँ इनके ब्रॉड पे। तो जैसे मैं इनके ब्रॉड पे आ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये हमको जो एक नंबर है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठने के बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए जो ये हमारी एक नंबर है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी। तो मान लीजिए ये एक नंबर है, ये मान लीजिए हमको वो हमारी वो उसको हमें गाल दे रही है, ये मेरी फ्रेंड है। तो मान लीजिए, तो आपको उसको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो पहले रिपोर्ट मारनी है, मान लीजिए इसने जो यहाँ पे स्टिकर कर रखा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई गाली लिखी है, तो आपको सीधे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने पर एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा रिपोर्ट का। तो आपको जो है मैसेज रिपोर्ट का जो ऑप्शन आता है वो आपको यहाँ पर मार देनी है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकेंड रिपोर्ट है वो दोस्तों यहाँ पर आपको सेकेंड रिपोर्ट जो है इसकी जो है, तो ये जो है फ्रेंड हमारी चली गई है। तो जो सेकंड रिपोर्ट है उसकी आप यहाँ प्रोफाइल से क्लिक करेंगे और जो सेकंड रिपोर्ट है ये प्रोफाइल वाली वो आपको यहाँ पर मार देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको दो तीन ID दोस्तों आपको मारनी है जिससे रिपोर्ट जो है आपकी सक्सेस हो सके। उसके बाद दोस्तों, जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप के बाद लेकर चल देता हूँ आपको मैं। तो सेकेंड स्टेप में दोस्तों क्या करना है आपको, दोस्तों यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ये हमारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर लग चुकी है, यहाँ पर मैच हो रहा है, प्रोफाइल की जो रिपोर्ट लगी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी रिपोर्ट जो हमें मारी है मैंने। उसके बाद दोस्तों, वो करना क्या है आपको, इनकी ID जो मान लीजिए ये ID है और इन्होंने आपको इनबॉक्स में कोई गाली दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पर कोई हमें गाली दे रखी है, उसका मैं जैसे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ दोस्तों आपको प्रूफ के तौर पर, जिससे ID का ज़्यादा चांस होता है कि आपकी ID की जो रिपोर्ट होती है वो जल्दी जल्दी वेरीफाई होकर उसकी ID बैन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मैं रिसेंट में चले जाता हूँ और मैं आपको एक जो है दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा मिल गया, तो मैं थोड़ा स्किप कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरीके से निकाल दे रखी है। तो इसकी जो है आप है इसके यहाँ के जो मैसेज का इनबॉक्स होता है वो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी जो प्रोफाइल होगी उस प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट ले लेनी है। तो प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका वो जाना क्या है, आपको चले जाना है आपकी ओला पार्टी ID में। तो मैं यहाँ पर चले आता हूँ, मान लीजिए इसकी प्रोफाइल ये है, तो इसके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था वो वाला, तो आपको इस तरीके से जो ये है मैसेज का इनबॉक्स की उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, ओला पार्टी में जाना है आपको। ओला पार्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा हेल्प सेंटर। तो आपको हेल्प सेंटर वाली रिपोर्ट मारनी है, तो सिंपली आपको हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर फीड यस करके यहाँ पर आपको फीडबैक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आपको सर्वर एरर दिखाएगा, तो आप थोड़ी देर वेट कर लें, जिसे हट जाता है, जिसे दोस्तों ये हट चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपको कौन सी रिपोर्ट मारनी है, गेमिंग रिलेटेड कुछ है आपका, एक गेम इशू है, या प्रोफाइल प्रॉब्लम, चैट बॉक्स प्रॉब्लम इशू, अदर इशू है, कोई रिपोर्ट है, और रिचार्ज इशू है, कोई भी इशू है। तो दोस्तों, मैं सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ रिपोर्ट पर। तो जो ये मेरी रिपोर्ट है, तो हमें रिपोर्ट करनी है। तो उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों यहाँ से जो भी आपके जिसकी प्रोफाइल का रिपोर्ट और मानना चाहते हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की प्रोफाइल का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो मान लीजिए ये प्रोफाइल है और ये मुझे ID बैन करनी है, तो चूज़ कर लूँगा। और जैसे वो गाली थी, वो गाली वाला स्क्रीनशॉट जो था जो आपको इनबॉक्स में दिया है, उसको वाला स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
और दोस्तों यहाँ पे लिखना क्या है, मेन बात है दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे क्या जो, तो यहाँ पे मेन चीज़ दो है दोस्तों, जैसे मैंने लिख रखा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको वो लेटर किस तरीके से लिखना है। मैं इनबॉक्स में भी दे दूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो लेटर लिख रखा है, तो दोस्तों मैंने उसी एक जो गर्ल है मैंने उसके लिए लिखा है कि हैज़ बिन कॉल अवे लॉन्ग टाइम और ये अब्यूज़ जो है लड़की बहुत दिन से फॉलो कर रखा है, वो मेरे पीछे आती है और ये दोस्तों अब्यूजिंग करती है मेरे साथ और अलग अलग प्लॉट पर गाल देती है, गंदी वीडियो जो है वो पोस्ट करती है और मैं चाहता हूँ कि इसकी आईडी बैंड कर दी जाए, अन्यथा मैं ओला पार्टी चलाना जो है वो छोड़ दूंगा। और थैंक यू करके यहाँ पे आपको आईडी और कंफर्म आईडी कर देनी है और बिल्कुल इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी है दोस्तों की लगनी चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट है वो लिखी है। तो देख सकते हैं आप रिपोर्ट का तरीका क्या है, हेलो ओला पार्टी और ओला पार्टी मैनेजर। तो आपको सीधे ऐसे करके इसको रिपोर्ट को लिखना है और डिस्क्रिप्शन में इसको लिख के भी दिखा दूंगा आपको लेटर को। तो सिंपली आपको सीधे फिर यहाँ पे ओला पार्टी चले जाना है आपको और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे इंडियन करके अपना नंबर रीजन सेलेक्ट करना है पहले। तो मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, तो जैसे इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है आपका जो भी फ़ोन नंबर है और सीधे सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो दोस्तों सेकंड रिपोर्ट है, सेकंड रिपोर्ट में आपको हमारी सेकंड रिपोर्ट हो चुकी है, अब आता है रिपोर्ट नंबर 3 की बारी। तो 3 रिपोर्ट नंबर आप कैसे मारेंगे, तीसरी रिपोर्ट, तो तीसरी रिपोर्ट में बैंड करने का दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो आपको सिंपली जाना है फिर से अपने फीडबैक वाले ऑप्शन में जाना है, हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। तो सिंपली मैं हेल्प सेंटर पर चले जाता हूँ। हेल्प सेंटर पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इसके साथ आपको एक ना और आईडी होनी चाहिए जो इंडोनेशिया की हो या अदर कंट्री, किसी भी कंट्री की है जो आपकी आईडी हो, इंडोनेशिया की होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगी आपकी आईडी का। तो सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट करना है और यहाँ पे सीधे यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लेंगे अपना, जैसे इंडिया का रीजन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डाल दी प्रोफाइल, यहाँ पर एकदम किसी की प्रोफाइल ले लेते हैं। और यहाँ पर लेने के बाद दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको जो है मैसेज जो है लेटर, वही लेटर जो है आपको उस तरीके से एक लेटर रिक्वेस्ट करनी है कि इसकी आईडी बैन कर दी जाए, ये अब्यूजिंग करता है और गंदी वीडियो पोस्ट करता है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे देना पड़ेगा, जिससे दोस्तों चांस ये होता है कि आपकी जो आईडी है वो आईडी है जैसे मैं दिखा देता हूँ उस आईडी के बैन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसको मैं चूज़ कर लूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा कि आईडी के बैन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वो रिपोर्ट आपको मारनी कैसे है, तो दोस्तों जैसे आप लेटर यहाँ पे लिख लेंगे, मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने लेटर लिख चुका हूँ कुछ भी, और उसके बाद दोस्तों वो करना क्या है, यहाँ पे आप नंबर फिल कर देंगे कुछ भी, अपना नंबर डाल देना है, उसके बाद दोस्तों चले जाना है अपनी इंडोनेशिया की आईडी में। तो मैं इंडोनेशिया की आईडी में चले जा रहा हूँ, तो अपनी हैगो मैं अपनी हैगो में खोल रखी मैंने आईडी, तो मैं सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, तब उस आइटम पर क्लिक सिंपल यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पर फीडबैक ऑप्शन होगा, फीडबैक के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर रिपोर्ट जो इशू होता है। तो मैं अपनी इंडोनेशिया की आईडी खोल लेता हूँ मिनट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरी इंडोनेशिया की आईडी जो खुल चुकी है और आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर वाली रिपोर्ट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये मेरा खुल नहीं रहा है सर्वर, तो यह है वो मेरा सर्वर खुलता नहीं, तो उसके लिए मैंने जो ये वीपीएन लगा रखा है मैं वीपीएन ओके कर लूँगा, जिससे मेरा जो है यहाँ का ये खुल ऑप्शन जो है ऑन हो जाए। तो मैं दोस्तों आपको वीडियो रोक के दिखाया है और आपको यहाँ पे फीडबैक ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर सर्वर कनेक्शन जो है एड हो गया है, तो ये खुल चुका है। दोस्तों फिर से आप रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको जो आपका मैसेज लेटर है वो टाइप कर देना है सिंपली। यहाँ से आपको पता है कि आपको प्रोफाइल टाइप करना है, दोस्तों आपको करना क्या, जैसे ही आप सब यहाँ पर कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करनी है आपको, तो कोई सी आईडी का जो है फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे अपना जो इंडिया है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कर लिया यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट और यहाँ पे डाल देते हैं नंबर कुछ भी। तो यहाँ पे नंबर डालने में दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों सबमिट जो बटन है, ये सबमिट बटन है, इसको आपको तुरंत ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ओला पार्टी से भी आपको इसी रिपोर्ट को क्लिक करना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, तो दोनों रिपोर्ट दोस्तों एक साथ लगेंगी, तो एक साथ दोस्तों अगर रिपोर्ट जाएंगी वहाँ पे आपके जो वहाँ पे सर्वर है जो है एजेंसी वाले के पास जाएगी, तो लगेगा कि हाँ तो कुछ इलीगल तरीके से कुछ ये कर रहा है, इस वजह से ही रिपोर्ट लगी हुई है एक साथ। दोस्तों अदर कंट्री से भी रिपोर्ट लगेगी और इस कंट्री से भी रिपोर्ट लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे दोस्तों उस आईडी का बैन होने का। तो दोस्तों थर्ड रिपोर्ट थी और थर्ड रिपोर्ट हमें सक्सेस हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो है फोर्थ रिपोर्ट,
तो फोर्थ रिपोर्ट जो है दोस्तों आपको मारनी कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों फोर्थ रिपोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों आपको कोई भी जो आपके आईडी में है, कोई भी जो लड़की होगी जिसकी आईडी कम से कम जो 40 लेवल से ऊपर लेवल की जो भी लड़की होगी, मतलब 10 लेवल होगा तो भी चलेगा, मतलब कोई भी लड़की हो उसकी 10 लेवल आईडी हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कोई लड़की हो तो मेरे उसमें मान लीजिए लड़की है, देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसका 9 लेवल है, 9 लेवल तो है प्रोक्स, मतलब किसी भी लड़की से 9 लेवल हो 10 लेवल हो उस लड़की से आपको करना क्या है। उस लड़की से दोस्तों आपको ये जो हेल्प सेंटर वाली रिपोर्ट होती है जो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर वाली रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को आप आसानी से लगवा देंगे। और लगवाने के बाद दोस्तों क्या होगा, जैसे गर्ल्स की जो रिस्पेक्ट होती है आपको पता ही होगा कि गर्ल्स की ज़्यादा उनको मान्यता हमें दोस्तों हमारे उसमें कंट्री में दी गई है। तो दोस्तों लड़की की आईडी जल्दी रिपोर्ट नहीं से क्या होता है, इलीगल तरीका होता है, और लड़की की आईडी की रिपोर्ट जल्दी ही सक्सेस होती है। तो आप हो सके तो लड़कियों की आईडी से रिपोर्ट लगवाएं और उसकी आईडी तुरंत ही जल्दी से जल्दी बैन होने का चांस रहता है। तो ये बात दोस्तों मैंने आजमाई भी है और ये बात मैंने देखी भी है कि लड़की की रिपोर्ट से किसी भी बड़े से बड़े लड़की जो आईडी है वो जल्दी ही बैन हो जाती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ओला पार्टी से रिलेटेड किसी प्रकार अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ के बता सकते हैं, तो मैं आपका उसके उस टॉप पर वीडियो बनाकर जल्दी जल्दी चांस करूँगा। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, तो दोस्तों आपको एक लाइक तो करना बनता ही है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।